भाई ये पूरा जिम तोड़ रहे यार, आज तोड़ना पड़ रहा है, क्या करें। हम नहीं तोड़ना चाहते लेकिन अब क्या करें, सब कह रहे हैं कि तोड़ दो जिम, जिम तोड़ दो तोड़ दो। हेलो हेलो, हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आप सब ठीक होंगे तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं अभी बुजौरा में ना, हमारे जिम का काम चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कुछ टाइम पहले कि हम जिम को बड़ा करेंगे और वहां पे देखते हैं, अभी जाकर दिखाता हूँ आपको क्या क्या काम चल रहा है। और हम जा रहे हैं बस से, बस रुकते हैं, निकलते हैं बुजौरा, पहुँचते हैं। यहाँ पे मौसम भी ख़राब हो रखा है, बारिश आने वाली है, रात में बारिश आई थी। HRTC की बस आई है, लॉन्ग रूट वाली, अगर रुकेगी ये तो टाइम से पहुँचा देगी, लेकिन मुझे लगता है ये रुकेगी, लोकल को ले जाएगी नहीं ले जाएगी। ये आइए सामने से देखते हैं, हरिद्वार है, हरिद्वार चला जाएगा सीधा। नहीं रुकी। अब दीक्षा बस आई है जिसमें हमारा बहुत आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उसमें डिस्काउंट मिलता था उन दिनों, जिन दिनों पैसे नहीं होते थे ना, उन दिनों 5 रुपये में चले जाते थे। अब देखते रुकेगी नहीं रुकेगी। ये अंकू कह रहा था मुझे बुजौरा भुंतर तक जाएगी, भुंतर बुजौरा तक तो जा रही है भाई, बस छोटी हो जाती है मेरे लिए। वैसे अंकल जी को देख रहे हो, इनसे ना खड़े नहीं होया जा रहा, मुझे लगता है इनके पैर पैर में कोई प्रॉब्लम है। पीछे वाले भाई साहब को पूछते हैं, ज़रा ट्राई करते हैं, देखते ये उठते या नहीं उठते है ना। हाँ जी इमाम साहब, कहाँ जाएंगे जी? नगवाई। पैर में प्रॉब्लम, चोट लगी आपके? अच्छा चोट लगी है जी, थैंक यू भाई, धन्यवाद। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। देखा ऐसे ही सब लोगों को देखा करो यार थोड़ा, क्योंकि मैं पीछे की तरफ था, अगर मुझे लगता भैया को दिखते तो भैया पहले ही कह देते आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, चलो थैंक यू भैया, अच्छा किया आपने। तो गाइस बस वाले ने फिर से हमें आगे उतार दिया था, काफ़ी आगे, अब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। मैंने उसे कहा भाई रोक दे भाई, थोड़ा सा आगे। जब मास्क उतारा था वो कहता भाई पहले क्यों नहीं उतारा मास्क। मैंने कहा यार अलग ही आदमी है तो यार, आदमी देख के बस रोकता है क्या? यहाँ पे तो यार बारिश हो रही है, बारिश शुरू होगी, तूफान चल रहा है। हंकू को देखो, मार्केट देखो यार कितनी ज़बरदस्त बन गई यहाँ पे, देख रहे हो? जब हम आए थे ना यहाँ पे आसपास में बहुत कम दुकान थे, ज़्यादा शॉप्स नहीं थी, तो अब तो पूरी मार्केट बन गई यहाँ से। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं अपने बी फ्री फिटनेस ब्रांच 1 पे। देखो यहाँ पे पूरा कचरा कचरा हो रखा है, तो देख रहे हो? भाई ये पूरा जिम तोड़ रहे हैं यार, आज तोड़ना पड़ रहा है, क्या करें। हम नहीं तोड़ना चाहते लेकिन अब क्या करें, सब कह रहे हैं कि तोड़ दो जिम, जिम तोड़ दो तोड़ दो। ये देखो पूरा तोड़ दिया इन्होंने, अब इसको बनाएंगे, छोटा करेंगे केविन को। आप लोगों को क्या लगा था, तोड़ रहे जिम थोड़ी तोड़ेंगे, छोटा करेंगे केविन को, लेकिन जिम बड़ा करेंगे हम, और बड़ा करेंगे। आप लोग टेंशन मत लो, सबको इतना बेहतरीन देने वाला है, कोई नहीं दे पाएगा भाई, VFF दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? बढ़िया है, कैसे हो? और जी बनाए जरा। अरे तुम वापिस आ गए, वापिस आ गए ये तो यार, बड़ी लेट आए आप, क्या मान भाई, काम भी तो था वहाँ पे। अब हो रहा है 10 बजे आ जाऊंगा भाई, क्या करें, 10 बजे आने वाला, 1:30 बजे तो मैं जिम से फ्री हुआ। सब लोगों को अच्छा कारपेंटर चाहिए, डिजाइनर, मॉडलर, फैंसी, जो भी कुछ बनाना है, सोफा बोलो क्या क्या बना सकते हो? कुछ बनाते हैं, अलमारी, किचन, खिड़की, दरवाजे, बेड। और अभी एक सांस में जितना आया उतना बोल दिया उन्होंने, और भी बहुत कुछ है, जितना लकड़ी का काम है भाई, आराम से भाई से कॉन्टेक्ट करना, नंबर बताओ 9805125789। स्पेशल डिस्काउंट, बैन ब्लॉक से बात कर रहे हैं BFF वाले। ये देखो पूरा दरवाजा बरवाजा तोड़ के हम लोगों ने ये पूरा निकालेंगे यहाँ से, इसको छोटा करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा केबिन बना रखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे एक बेड भी लगा सकते हो आप, एक सोफा भी लगा सकते हो, पूरा आराम से रखते हो, पूरे एक रूम के बराबर।
भाई जी अभी इसमें 3 दिन लग जाएंगे, बाकी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हम, अगर विश्वकर्मा डे तक हो जाए तो। 3 दिन का टाइम है, वैसे 4 लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 3 दिन में हो जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जगह स्पेस तो बन रहा है, स्पेस बनेगा इसमें कम से कम 25 फुट, 25 से भी ज़्यादा बढ़ रहा है स्पेस, काफ़ी खुला दिखेगा। इसमें 2 मशीनें और एक्स्ट्रा आ जाएगी, दो ट्रेडमिल भी आ जाएगी। हाँ वो भी आ जाएगी, इसमें दोनों साइड से काफ़ी एरिया खुल रहा है इसमें। तो अभी थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएं। प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी शेरू क्लासिक आने वाला है, तो जैसा कि आपको पता है KFS फिटनेस भी उनमें से वहां पे अपना स्टॉल लगाते हैं और एक स्पॉन्सर के तौर पर भी वो हिस्सा लेते हैं, तो बाकी देखते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी मशीनें होती है ना गाइस, जाता है एक्चुअल में इम्पोर्ट करवाया जाता है, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और प्लेट लोडेड जो हमारे पास आ रहा है सुपर वारा जी, तो गाइस थोड़ा इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि उन मशीनों पर मुझे भी वर्कआउट करना है अपनी नई मशीनों पर। तो आप लोग भी थोड़ा इंतजार करो, बस पेशेंस बनाए रखो और अपने बी फ्री फिटनेस को सपोर्ट करते रहो। चलो देखते हैं थोड़ा काम क्या क्या होता है आगे, चलो 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 चलो। तो यार यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी है हमारे जिम में, ये हमने लास्ट टाइम भी हमने कोशिश की थी कि ठीक हो जाए, लेकिन फिर से जमीन बैठ गई। लास्ट टाइम वो ना फीलिंग्स अच्छी नहीं हुई थी, तो जल्दी जल्दबाजी में हमने काम किया था। तो आज हमारे साथ है हमारे बड़े भाई राजू भाई, तो ये बताएंगे, चलो देखते। नहीं सिर्फ ये है कि बाकी और भी उस तरफ भी है, ये देखो ये एक सेक्शन यहाँ पे, चलो 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 कुछ पूरा ही है, पूरा ये तो मेरे हिसाब से है कि बेट तो साइड में है इसका, बेट किसे नहीं है इसमें। हाँ जी, नीचे सोलिंग नहीं इसमें हुई है, सोलिंग नहीं हुई ना, सोलिंग नहीं हुई। और ये जगह जो है ना, इस पानी आता है इस जो नाली है ना बाहर से, हाँ जी, इसका पानी आता है, इसका पानी का सारा हिसाब होता है नीचे से। हाँ जी, तो फिटिंग मत कराओ पहले। तो गाइस यहाँ पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, जो जितने भी स्टोन क्रशर थे जो आपदा आई थी उसके बाद ना सारे स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए हैं, बजरी ना होने की वजह से तो हम काम करवा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे बारीक बजरी लगेगी, मोटी वाली लगेगी, तो देखते हैं अभी होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे कुछ दिनों बाद करवा देंगे हम। गाइस मिस्टर वालिया देखो, ये नहीं हमारा पीछा छोड़ने वाला है। तो गाइस हम लोग पता क्या करने वाले, हम लोग बिक्की का टीवी चुराने वाले यहाँ से, जब ये देख रहा है कि वो देखते हैं ना, हमने मांगा था उससे कि भाई तू यूज़ तो करता नहीं है, हमें दे दे, वो गुस्सा होगा, नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ लगेगा ये टीवी वगैरह। ये देखो 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 देखो, पकड़ में आया चल रही है, सफाई अभियान चल रहा है इनका यहाँ पे, विकी झाड़ू मार रहा है। तो चलो ठीक है, ओके ओके बाय, सब लोग रखो ख्याल अपना। तो चलो गाइस निकलते हैं अब कुल्लू के लिए। लोगों को एक चीज दिखाओ, यहाँ देखो मिस्टर बालिया ने क्या ले रखा है, BMW। कहाँ है भाई तेरी BMW? क्यों बताऊं भाई? गाइस हम लोग आए अभी घर तक, मैं तो नहीं जाऊंगा घर पे, अंकू को ना कपड़े लेने थे, अंकू मेरा पड़ोसी है, जैसे आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। तो ये गया अभी कपड़े लाने, क्योंकि इसके कपड़े नहीं थे कुल्लू में, कुछ कपड़े लाया थे कुछ नहीं लाया था। अभी अंकू का इंतजार करते करते देखो मिस्टर बालिया, तू क्या दिखाएगा रे दूसरों को, क्या दिखाएगा तू ब्लॉग मेरे? क्यों नहीं दिखाता मैं भाई, अभी मैंने लगाया है इसके फोन में, मैंने लगाया है, तो आप लोग भी तो देख लिया करो ना यार, देख लो भाई, मुझे पता था बोलता हूँ लेकिन थोड़ा देख लो बड़े भाई, भाई ये कभी कपड़े यार इस चीज के लिए आए थे हम। बंदा एक हुडी लाया खाली, पता कितने कपड़े लाए तूने यार, क्या बंदा, इतने का तो तेल फूंक लिया हमने घर तक आने के लिए। कोई नहीं भाई, हम लोग पहुंच गए कुल्लू, वही अंदर का भाई, बारिश तो बहुत हो रही है यार यहाँ पे, बजौरा से भी ज्यादा बारिश हो रही, देखो अब होगा मौसम और भी ठंडा। तो गाइस एक चीज दिखाता हूँ आपको, अभी मैंने देखा यहाँ देखो मेरा चेला देखो क्या कर रहा है। हेलो भाई पर्दों को खोल, वो पर्दे जो कोने में लगे हुए थे ना उनको खोल, खोलना यानी बंद नहीं करना है, बंद करने का यानी मतलब हो गया पूरा बंद कर दिया सामने से। तो यार ये बंदा देखो यार, ओए जूते बाहर, जूते बाहर, ये देखो गंदे जूते, यहाँ पे जिम में जूते अलाउ नहीं है, और ये जूते पहन के अंदर आ गया, शाबाश तुझे। क्या जो कॉपी होता है ना वो बता देता हूँ, I have 4 copies and I have 3 originals, okay? Original में इसका प्यूमा है,
और कॉपी सारे नाइक की ओरिजिनल होना कुछ नहीं होता है, शक्ल बंदा ओरिजिनल होना चाहिए बंदा। गाइस गाइस काफी देर हमने काम किया जिम में, अब रात के बज चुके हैं 10 और जिम बंद करने का टाइम हो गया है। बाकी आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगा जो फाइनल लुक आने वाला है अपने बजौरा के जिम का और स्टेशन का, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे जैसे ही वहां पे रेडी होगा आपको फाइनल लुक। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, और जो चैनल पर नए हैं क्या करना है, सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी, सब्सक्राइब बोल दे, अच्छा बोल 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 बोल, अरे बोल दे एक बार बोल 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 चले बोल, चल बोल, जल्दी से कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बाय बाय।